ये अपने अपने केजीज के अंदर बंद हैं। तो सुबह के 9 बजे का टाइम हो गया और हमारा जो बिल्लू है अपनी रोटी के इंतजार में बैठा हुआ है, मेरी तरफ देख रहा है कि मुझे रोटी डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला के रहमत फजल और करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो दोस्तों हमारा जो बिल्लू है ना रोटी के इंतजार में बैठा हुआ है, मैं इसके लिए रोटी लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये रही इसकी रोटी, ये अब मैं जो है ना इसके आगे डालूंगा बिस्मिल्लाह पढ़ के, और ये देखें इसने रोटी पकड़ ली और ये भागने निकलने लगा है। तो दोस्तों आज जो है ना मुझे इस चारपाई के ऊपर सोना पड़ा, क्योंकि हमारी जो चारपाई है ना वो अम्मी जान ने उधेड़ दी हुई है और इसको वेल्डिंग करवाने के लिए अब जो है ना मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये देखें इसके जो ये पावे वगैरह ना ये टूटे हुए हैं, ये आप देख सकती हैं इसका पावा त्रेर मार गया हुआ है। और अब जो है ना मैं जल्दी से इसको वेल्डिंग वाली दुकान पे लेके जाता हूँ और वहां से इसको मैं छोड़ के आता हूँ, फिर आके जो है ना मैं अपनी मुर्गियां वगैरह को सबको बाहर निकालूंगा। और अम्मी जान जो है ना आटा साथ में घर में इसे लेके आ रहे हैं, तो वो जैसे ही आते हैं तब तक मैं मंजी छोड़ के आता हूँ और अपनी मुर्गियों को आटा वगैरह मैं डालूंगा। सबसे पहले जो है ना मैं अब अपनी जो ये मंजी है ना चारपाई इसको मैं वेल्डिंग वाली दुकान पे छोड़ के आता हूँ। तो अब जो है ना मैं यहाँ से चारपाई जो है ना मैं छोड़ के आ चुका हूँ दुकान पर, जहाँ पर उन्होंने वेल्डिंग करनी है। और अब जो है ना ये मैं साथ में लेके आया हूँ, रास्ते में जो है ना अम्मी जान खड़ी थी और उनसे जो है ना मैं ये लेके आया हूँ। तो अब जो है ना ये मैं अपनी बकरियों के आगे और अपनी मुर्गियों के आगे ये आटा जो है मुर्गियों के आगे डालूंगा, और ये जो है ना ये छिकड़े वगैरह ये मैं डालूंगा अपनी बकरियों के आगे। सबसे पहले जो है ना मैं अपनी बकरियों के आगे ये डाल लेता हूँ जल्दी से, तो अपनी भैंस के आगे भी मैं पट्ठे वगैरह डाल लेता हूँ। तो दोस्तों बकरी के आगे जो है ना मैंने डाल ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैंने अपनी भैंस के आगे भी पट्ठे वगैरह डाल ली है, अब हमारी भैंस भी पट्ठे खा रही। तो हमारा जो बिल्लू है वो मेरी तरफ देख रहा है मुझे कुछ डालने लगा, लेकिन जो है ना मैं इसको कुछ भी नहीं डालने लगा। अब जल्दी से जो है ना मैं अपनी मुर्गियां वगैरह अपने अपने केजेस के अंदर से मैं निकाल लेता हूँ इनको बाहर। तो दोस्तों मैंने अपने रैबिट्स भी और अपनी असील मुर्गे और देसी मुर्गियां और छोटे बच्चे छोटे चूजे बेबीज सारे के सारे जो है ना अब मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और अब जो है ना ये यहाँ पर चौक रहे हैं। जल्दी से मैं आटा पकड़ूँ, इन्होंने आटा खा जाना है। तो ये जो आटा है ना मैं इनके आगे डालूंगा, ये देखें सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं, ये देखें ऊपर को आ रही हैं सारी की सारी मुर्गियाँ, ये देखे ना ये ऊपर आ रही हैं। तो मैं जल्दी से जो है ना और भी जो हमारी मुर्गियां ना इस केज में इनको भी मैं अब निकाल लेता हूँ, जो इस केज में मुर्गियां इनको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो गंजी धोने वाली मुर्गी है ये है, और ये जिसको मारा इस वाले मुर्गे ने, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अभी जो है ना ठीक है, लेकिन अब जो है ना काफ़ी बेहतर है आगे से। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये भी ठीक हो जाएगा। अब जो ये मुर्गियां ना इनके आगे भी मैं ये आटा वगैरह डाल लेता हूँ, ये देखिए अंदर आ गई हैं। दोस्तों अब जो ये आटा है ना मैं एक किसी बोल के अंदर डाल लेता हूँ, और इसको किसी भांडे के अंदर डाल के इसको मैं मिक्स करके इन मुर्गियों के आगे डालूंगा फिर। तो दोस्तों ये आटा जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है, मैं जो है ना छत के ऊपर आ गया हूँ, इसलिए आया हूँ छत के ऊपर क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना नीचे मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैं छत के ऊपर आ गया। अब जो है ना ये मुझे तंग नहीं करेंगी, ये देखें ये सारी की सारी मुर्गियाँ जो है ना नीचे ही हैं। तो अब जो है ना मैं इनके आगे थोड़ा थोड़ा करके ये आटा जो है ना मैं डाल लेता हूँ यहाँ से। आगे जो है ना एक मुर्गी छत के ऊपर आ गई और इसको मैंने यहाँ पर आटा डाला, फिर मैंने नीचे उतार दिया। तो दोस्तों मुर्गियां जो है ना हमारी आटा ये देखें खाने के लिए आ रही हैं, ये देखें मैं इनके आगे आटा वगैरह डाल रहा हूँ। ये देखें दोस्तों एक मुर्गी छत के ऊपर आ रही थी।
दोस्तों अब जो है ना मैंने अपनी सारी की सारी मुर्गियों को आटा दाना मैंने डाल लिया है। अब इन्होंने जो है ना आटा दाना सही जो है ना अपना पेट फुल कर लिया, लेकिन फिर भी ये इतनी लालची हैं, इतनी चवल हो गई हुई हैं कि ये इनको जितना मर्जी खाने को दे दे लेकिन ये फिर भी जो है ना नहीं इनका पेट फुल होता। पता नहीं कैसी मुर्गी हैं, इनको मैंने बहुत कुछ खिला दिया है। अब तक दाने भी जो है ना मैंने डाले थे, सुबह भी एक बार मैंने निकाले थे जो है ना। अब जो है ना 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम है, लेकिन जो है ना ये अभी भी जो है ना ये भूखी हैं। मैंने इनके आगे कितना ज़्यादा आपके सामने आटा डाला लेकिन इनके लिए फिर भी कुछ नहीं है। तो अब जो है ना ये यहाँ पर ही ऐसे ही जो है ना यहाँ से कभी फूलेंगी कहाँ कहीं से कभी कहीं से ये जो है ना थोड़ा थोड़ा खा पी के अपना पेट जो है ना वो फुल कर लेंगी। तो अब जो है ना मैं इनके आगे कुछ भी नहीं डालूंगा क्योंकि रैबिट्स माड़ा जो मेल है बुड़ू मेल ये जो बुरे कलर का है ना ये वाला यहाँ पर है और फीमेल जो है ना हमारी वो देखें वो नीचे गई हुई है। तो ये दोनों जो है ना यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा जो है ना घास ला के यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना खाएं और कहीं भी ना जाएं। तो यहाँ पर आगे भी मैंने डाला लेकिन मुर्गियों ने जो है ना खा पी गए। कल जब मैंने डाला ना इनको घास वगैरह ये देखें शाम टाइम मैंने डाला मुर्गियाँ तब बाहर नहीं थी, जब अब मैंने सुबह निकाली हैं ये देखें सारी की सारी उन्होंने इसकी खिलाड़ दी हुई है, इसका सारा का सारा घास जो है ना इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब जो है ना मैं जल्दी से अंदर से जो है ना टोके के पीछे से थोड़ा सा मैं कुतरे हुए पट्टे लेके आता हूँ और अपनी रैबिट्स के आगे डालता हूँ। तो दोस्तों अब जो है ना मैंने अपने रैबिट्स के आगे पट्टे डाल लिए हैं लेकिन ये जो हमारी छोटी लेग वाली मुर्गी है ना ये जो है ना यहाँ पर पट्टे खा रही है। तो अब जो है ना हमारे रैबिट अंदर से बाहर आने लग पड़े हैं, ये देखें अब बाहर आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर जो है ना ये अपना घास वगैरह चारा वगैरह खाएंगे और मुर्गियाँ जो है ना हमारी अब सारा दिन बाहर इंजॉय करेंगी और यहाँ पर ये खाती पीती रहेंगी, ये खा पी के अपना पेट जो है ना वो फुल कर लेंगी। तो अब जो है ना मैं इनको किसी भी केजेस के अंदर बंद नहीं करूँगा, अब इनको यहाँ पर ही रहने दूँगा और यहाँ पर ये इंजॉय वगैरह करेंगी। तो बकाया बाहर वो देखें किसी की मुर्गियाँ ये देखें हमारे जो साथ वाले पड़ोसी हैं ना उनकी हैं ये मुर्गियाँ हमसाए हैं जो हमारे, और यहाँ पर जो है ना अब हमारी भी मुर्गियाँ आके जो है ना खाना पीना वगैरह बाहर से खाएंगी क्योंकि लोगों ने बाहर कूड़ा फेंका होता है और उनमें से ये अपनी खाने पीने की चीज़ें निकाल के खा लेती हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये खा पी रहे हैं थोड़ा बहुत जो थोड़ा थोड़ा आटा है ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बड़ीक बड़ीक वो भी अब खा रही हैं, आगे नहीं थी खा रही लेकिन अब खा रही हैं। और हमारी बकरियां वगैरह ने भी वो जो सालन वगैरह मैंने डाला है वो भी खा लिया है और ये इनके आगे पट्टे हैं ये हम अपने रैबिट्स के आगे डाल देंगे। रैबिट्स लाने का एक तो फ़ायदा हो गया, जब भी बकरियां पट्टे छोड़ें उठा के रैबिट्स के आगे। हम जो है ना हमने जब भैंस लेके आए थे ना हमने सोचा था कि बकरियाँ जो पट्टे छोड़े हम भैंस के आगे डालें, लेकिन नहीं उल्ट हो रहा है, जो हमारी भैंस है वो हम छोड़ती है जब वो हम उठा के बकरियों के आगे डालते हैं, बकरियां जितने से खाती हैं अब उठा के हम बाहर फेंक देते थे लेकिन अब जो है ना हम उठा के अपने रैबिट्स के आगे फेंकेंगे और हमारे जो रैबिट्स हैं ना वो खाएंगे। और ये देखें कालो जो है ना मेरी कमीज मुंह में इसने डाल ली थी अब छोड़ दिया इसने कालो ने, और बिल्लू जो है ना आपकी तरफ देख रहा है व्यूअर्स देखें कितना प्यारा माशाल्लाह हमारा जो बिल्लू है ये भी है। और बकाया सारे की सारी मुर्गियां जो है ना हमारी अब पानी पी रही हैं, ये देखें इसके अंदर से इसके अंदर जो है ना मैं जल्दी से पानी ला के भर लेता हूँ। ये जो हमने रखी हुई है ना चट्ठू बट्टे वाली इसमें पुदीना चटनी घूरते थे वो हमने रखी हुई है, इसमें ये पानी वगैरह पी लेंगे अब। तो दोस्तों अब मैंने इसको पानी से भर दिया है। रैबिट्स हमारा जो मेल है वो कभी अंदर चला जाता है कभी हमारी फीमेल अंदर चली जाती है, ये देखें ना मैंने अभी अभी पट्टे ला कर डाले हैं, इसने खिलाड़ भी दिए हैं ये देख सकते हैं, सारा का सारा इन्होंने गंद मचा के रखा हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों हमारे सारे के सारे मुर्गे ये वो देखें बेचारी मुर्गी को मारते रहते हैं सारे मुर्गे। तो अब जो है ना मैं जितने से हमने केजेस के अंदर बंद करने हैं उनको मैं जल्दी से इनके केजेस के अंदर बंद करता हूँ और फिर जो है ना हम अपने जो रैबिट्स हैं उनको भी अपने केजेस के अंदर बंद करेंगे क्योंकि वो जो है ना हमारी पनीरी खा जाते हैं। वो हर व्लॉग में ही जितने भी व्लॉग मैंने बनाए हर व्लॉग में जब से हमने लाए हैं ना वो बार बार पनीरी की तरफ जाते हैं, ये जो हमने पनीरी लगाई हुई है ना इसकी तरफ जाते हैं सारे के सारे मुर्गे, वो मुर्गे कह रहा हूँ खरगोश।
तो अब जो है ना मैं अपने रैबिट्स को भी बंद करूंगा और मुर्गियों को भी, क्योंकि अभी जो है ना फिलहाल यहाँ पर ये पानी वगैरह पी रही हैं। ये देसी मुर्गी जो मिश्री कलर की है, ये जो है ना मिश्री मुर्गी हमारी पानी पी रही है, बकाया असील मुर्गियाँ इस बाल्टी के अंदर से पानी पी रही हैं। बकाया अभी आस पास जो है ना अपना खाना पीना, अपना पेट जो है ना पेट पूजा कर रहे हैं। और बकरियों के आगे ये खुरली है, इन्होंने अंदर चले जाना, मैं खुरली भी साइड पर काट लेता हूँ। खुरली मैंने साइड पर काट ली और बकरियाँ वगैरह यहाँ पर अभी रहेंगी, इनको जो है ना मैं जल्दी से जो है ना चारा लेने के लिए जाऊंगा और फिर जो है ना इनके आगे चारा डालूंगा, क्योंकि हमारा जो कल वाला चारा है ना वो भी अभी पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं टोके के पीछे आगे मतलब के, तो वो पड़े हुए हैं। ये दातर है हमारा जिसकी मदद से जो है ना मैं चारा काटता हूँ। इंशाल्लाह जो है ना दातर की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा जब मैं चारा काट रहा हूँ दातर के साथ, वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन पता कोई नहीं है। एक मुर्गा जो है ना पट्ठों के ऊपर गया हुआ है जिसको काटा हुआ है दूसरे मुर्गे ने, इसको मैं साइड पे काट लेता हूँ। तो दोस्तों अब जो है ना मैं जिसको बंद करता हूँ उनको मैं बंद कर लेता हूँ और बकाया मुर्गियाँ यहाँ पड़े चुगे फिरेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।